अच्छा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैं क्या कहूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, हमारी आंखें सब कुछ पहले ही बता देती हैं। हे ईशल, व्हाट्स अप? ये तुम्हारे पांव पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और आपको इससे मतलब? तो अभी तक मुझसे नाराज हो तुम? अरे यार, बीमार था मैं, एंड यू नो इट। अच्छा, तो मेरे बिना बोर हो गई होंगी आप, तभी नाराज है, राइट? समझते क्या है आप खुद को? किसने इजाजत दी है आपको कि आप मुझसे इतना फ्री हो? आप मेरे लिए सिर्फ एक मेहमान है। मुझे आपसे बात करना या आपके साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अरे नॉट बैड यार, तुम्हें तो डांटना भी आता है। और मैं समझा कि कोमल, तुम क्या हुआ? आप ही सब ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ ये सूटकेस? मैं आई तो सरप्राइज देने थी, पर यहाँ के खुद सरप्राइज हो गई हूँ। हे कोमल, देखो हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। वो ऐसा है कि ईशल मुझे डांट रही थी और बीच में आन पड़ी तुम। अब बेचारी डांटे भी क्यों ना, इतना तंग जो करता हूं मैं, पूरा दिन फरमाइशी प्रोग्राम, और ऊपर से मैं ठहरा खाने पीने का शौकीन, तंग तो आ जाती होगी ना। ईशल, आई एम सॉरी यार, आइंदा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब अगर आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया हो तो कोमल को उसका रूम दिखा दे। रूम का मुझे पता है, आप उसकी टेंशन ना लें। आए हाय, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है मैडम, आजमा कर देख लें। हाय, आजमाने की क्या जरूरत है, आई ट्रस्ट यू। वैसे आई होप तुम यहाँ पर थोड़े ज्यादा दिनों के लिए आए हो, राइट? मुझे यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। अब फिलहाल के लिए एक्सक्यूज मी, मैं तुम दोनों को बाद में मिलता हूँ, बाय। तुम्हारे वाला गेस्ट रूम शहरयार के इस्तेमाल में है, तो लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा गेस्ट रूम तैयार कर दूंगी। अब ज्यादा अच्छी ना बने, मुझे मेरा कमरा दिखा दे, मैं खुद सेट कर लूंगी। वैसे भी आपने कौन सी दीवारें खड़ी करनी है? दीवारें नहीं, लेकिन सफाई तो करनी है ना। घर में तो आप कपड़े तक नहीं इस्त्री करके देती थी, और अब देखो। कोमल, तुम इस तरह यूं अचानक क्यों आ गए? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब वो सरप्राइज देने का मूड था मेरा, पता है मुझे अम्मी ने मना भी किया था, लेकिन मुझे लगा आप मुझे देख के खुश हो जाएंगे। आप तो उल्टा परेशान हो गई हैं, पता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें भी तो बता कर आना चाहिए था ना। देखो, ये जिंदगी पहले जैसी नहीं रही है, हमें हर चीज को देखना होता है। आप ठीक कह रही हैं, आई एम सॉरी। इट्स ओके। हे ईशल, तुम कब आई? नीचे देखे वरना गट लग जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं, इसी बहाने तुमसे खिदमत करवा लूंगा। वैसे तुम्हें मालूम है मैं क्या बना रहा हूं? नहीं मालूम? मैं बना रहा हूं फ्रेंच ऑमलेट। और फ्रेंच ऑमलेट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मरला क्या है जानती हो? क्या हुआ, ये भी नहीं जानती? फ्रेंच ऑमलेट बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मरला है फ्रांसीसी जुबान में अनाप शनाप पढ़ के तेल के ऊपर दम करना। ली फसंते फिरोने फेमिने फेमिने फेमिने। है तो फ्रेंच, पर इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता। हे वेट, बस 5 मिनट और, आई एम ऑलमोस्ट डन।
तुम रुको, मैं देखता हूं। ये भी ठीक किया, देता हूं ये ले। और कुछ चाहिए उनको? क्या पानी? हाँ तो पी लीजिए, रोका थोड़ी ना मैंने आपको। अब इतनी क्यूट शक्ल बनाकर मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए आप, दे रहा हूं। वैसे साहिर ने बिना आपकी आदतों को बिगाड़ के रख दिया और आपको भी ना शौक चढ़ गया है लोगों से खिदमतें करवाने का। लीजिए, बस बस बस, हो गया हो गया, आराम से आराम से। मैं आपका बेटा होता ना तो चुटकियों में आपको आपके पैरों पर खड़ा कर देता। अरे अंकल, बीमारी या तकलीफ जितनी भी बड़ी हो, खुद से बड़ी नहीं होती। बस इस बात पे यकीन होना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है, आपकी अपनी कहानी है और मेरी अपनी। अरे कहानी से याद आया, आपको मेरे बाबा का किस्सा याद है ना, मैंने बताया था आपको। अरे मरी वाला किस्सा, जब वो चेयरलिफ्ट पे जाने की जिद कर रहे थे, याद आया? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ रहने में? कैसा प्रॉब्लम? नहीं, वो मेरा मतलब था कि तुम्हें अपने घर के अलावा कहीं और नींद नहीं आती ना? हाँ, पर ये भी तो मेरा अपना ही घर है, इतना बड़ा आलीशान, पूरे घर में घूमने निकलो तो बंदा थक कर ही सो जाए। ऐसे कितने दिनों के लिए आई हो? बस ये खा के जा रही हूँ, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अरे नहीं कोमल, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करो ना। साहिर वो सबको मान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम लोग रिश्तों की दहलीज को पार कर जाए। देखो, इन बातों में तकल्लुफ करना जरूरी होता। हाँ, बहुत बड़ा घर है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कंफर्ट भी तो होना चाहिए ना। सही। वैसे आप भी सही वाली बोर हैं, घर में आते ही मुझ पर भी बोरियत सवार हो गई है। क्या कुछ सोच कर आई थी मैं कि हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, शॉपिंग आउटिंग, पता नहीं क्या क्या प्लान सोच कर आई थी मैं। मुझे लगता है मुझे साहिर भाई से ना खुद डायरेक्ट डीलिंग करनी पड़ेगी, वरना आप तो मुझे बोरियत से ही मार देंगी। कोमल, कोमल बात तो सुनो मेरी। अरे कहाँ गया सब कुछ? यहीं पे तो रखा था। अरे लगता है ईशल ने कचरा समझ के फेंक दिया है। अरे वाह, यहाँ तो ऑलरेडी कुछ खाया जा रहा है। अब मुझे पता होता तो इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना। अरे रिलैक्स, जैसे बैठना है बैठो यार, तुम्हारा ही घर है। श्योर? हाँ श्योर। कोमल चलो अंदर आओ, तुम लोग से दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं देख। कोमल जिद मत करो, चलो उठो। मैंने कब जिद की है? आप ही मुझ मासूम का बार बार दिल तोड़ती हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, खुश?
मैं साई से बात कर लूंगी। इतनी बेजारी से तो ना कहें। प्लीज यार कोमल, समझने की कोशिश करो। अरे अगर कोमल कुछ समझ नहीं पा रही है तो मैं हेल्प करूं? देखिए ये हमारा आपसी मामला है, आप दूर रहें। इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता मैं। वैसे अगर थोड़ा करीब आने देती तो आसानी हो जाती, बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। वो तो मैं देख ही रही हूँ कैसे बिना इनविटेशन के आप हर जगह मैनेज हो जाते हैं। अब क्या करें मैडम, इतने सालों की रियाजत की है इस हुनर के लिए। कोमल चलो अंदर। वैसे आपकी जबान बहुत तेज चलती है, पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे? इशारे, आप इशारा कीजिए और ये ना चीज अपने फन का मुजाहिरा करेगी। वैसे यहाँ भी इसीलिए आया। फिर तो आपको सर्कस में होना चाहिए, सुने जोकर्स की आजकल बहुत कमी है। अरे सर्कस में भी चले जाएंगे मैडम, पहले थोड़ा आपको तो एंटरटेन कर लें। जी उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों, एंटरटेनमेंट की जरूरत तो सभी को है ना, आपको भी होगी और ईशल को भी, राइट ईशल? शुक्र है कोमल तुम आ गई। पता काफी दिनों से सोच रही थी कि घर की सफाई करूंगी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हिम्मत होगी भी कैसे आपके, इतना बड़ा घर है ऊपर से हजार काम। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, आंखें हैं मेरी आपी। हाँ मैं आपकी तरह सुगर नहीं हूँ पर घर के मामला जानती हूँ, आप कैसे मैनेज कर लेती है इतना कुछ? क्योंकि सारा दिन बोर हो जाती हूँ ना मैं, कुछ करने के लिए होता ही नहीं है मेरे पास, तो अब इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा जा सकता ना, और इस तरह आप देखो मेरा टाइम भी गुजर जाता है। आप शादी के बाद इस घर से आखिरी दफा बाहर कब गई हैं? मेरा तो ख्याल है आप भी कि आप शादी के बाद एक दफा भी इस घर से बाहर नहीं गई। नहीं तो हम जाते हैं बाहर, हम शॉपिंग पे जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं और मूवीज वगैरह। आप ही साहिर भाई कहीं आप पे पाबंदियां तो नहीं लगाते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, कभी किसी चीज से नहीं रोकते हैं। इनफैक्ट वो तो कह रहे थे कि क्या मुझे ड्राइविंग भी सीख लेनी चाहिए ताकि आने जाने के लिए ड्राइवर का वेट ना करना पड़े। उन्होंने कभी नहीं रोका, बहुत अच्छे हैं। आप ही हम शॉपिंग पर चलें? हेलो। हाँ कोमल कैसी हो? आपके घर पे हूँ और बहुत गुस्से में हूँ। क्या जरूरत थी साहिर को कॉल करने की, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? आपकी शिकायत लगाने के लिए कॉल की है। प्लीज डिस्टर्ब मत करें, जाए यहाँ से। तो बोलो। आपको पता है आपकी बीवी मुझे बोरियत से मार देगी, मैंने सोचा था हम लोग यहाँ पे फन करेंगे। बल्कि वो तो मुझे बात बात पे एक्सक्यूज कर रही है और बाहर जाने का तो कोई नामो निशान ही नहीं। अच्छा मेरी बात कराओ जरा उससे। ले बात कर। हेलो, जरा दूर होकर बात करो। जी ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। मुझे यकीन होना चाहिए कोई रोमांटिक बात करें। मैं दूर आ चुकी हूँ। क्या तुमने कोमल को बुलाया था? नहीं जाहिर, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। कोमल को कहो कि तैयार हो जाए, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जी भाई ने, तुम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे ले जाओ।
Yes, he's the best. ऐसे कैसे इजाजत दे दी तुमने? अरे इजाजत तक बात पहुंचती तब ना, वो तो बोलते ही चल पड़ी। वो शमसा तुम उसे समझा तो सकती थी ना। देखिए वसीम, अब वो बच्ची नहीं बड़ी हो गई है, और ये छोटी छोटी सी बातों पे रोक टोक करना क्या अच्छा लगता है? और आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? भाई क्या मसला है, घर में आते ही सारे शहर का मलबा घर पे गिरा दिया। अम्मा आप तो कोमल को रोक सकती थी ना, ऐसे ही मुंह उठाकर ईश्वर के घर चली गई। हाँ ये सब कुछ गलत है, लेकिन वो मुझे बगैर बताए रफू चक्कर हो गई। तुम इसे फोन करके समझा देना, पहले उसके घर में एक मेहमान ठहरा हुआ है। मैं ईश्वर से बात कर लूंगी, उसे समझा दूंगी। अजीब लड़की है, किसी की नहीं सुनती। भाई साहिर अगर कोऑपरेट करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में है वो ही करती फिरे। तो पता नहीं शादी के पहले उनको लेट आने का लाइसेंस मिल जाता है। सिक्योरिटी बुला ली आपने? क्या जहां आप जा रही, वहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है या नहीं? क्यों, शहर में कुछ हुआ है क्या? अरे फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके जाते ही कुछ जरूर हो सकता है। क्या हुआ है, इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। क्या कहा? अरे इतनी प्यारी लग रही हैं आप कि कोई भी देखे ना दीवाना हो जाए। तो सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ेगी ना। आई एम सो सॉरी कोमल, मुझे देर हो गई। आई होप आई वाजंट टू लेट। नहीं मैं बस अभी आई थी। ग्रेट, एक्सेलेंट, चलें फिर, लेट्स गो। मैं सोच रहा था कि एक ही दफा डिनर करके वापस आऊं। डन साहिर भाई, मेरा तो वैसे भी घर जल्दी आने का कोई मूड नहीं है। एक्सेलेंट, सो दैट्स सेटल्ड। पहले शॉपिंग और फिर डिनर। ऑलराइट। अब्बा के कमरे की बेल चाहिए। यस, एक्सक्यूज मी, मैं जरा देख के। नहीं आप तो रुके, मैं देख आती हूँ। साहिर एक बहुत बुरे इंसान है, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। मुझे आके ले जाए यहां से, वरना वो मुझे मार देंगे। नहीं, मार दिया तो फिर मैं खुद कैसे जीऊं?